fidelity. Like teachers are very friendly and they are cooperative. They are actually making us understand. Study is very nice. Everything is all right. I like resonance and I really like to study and I want to become something in my life. I have to achieve. I want to become an IAS officer. So for the study purpose only I came here. हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं रेजोनेंस के पटना वाला सेंटर पे। इस वीडियो में क्लासरूम टूर दिखाने वाले हैं और यहाँ के मैनेजमेंट से बात करेंगे क्या कुछ खास माहौल दे रहा है रेजोनेंस अपने बच्चों के लिए। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने, देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम लोग बच्चों से जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो कैसे हैं आप लोग? रेजोनेंस बेटर लगा इसीलिए यहाँ पर आए थे। टीचर फैसिलिटीज भी अच्छे थे। ठीक है। और पढ़ाई यहाँ बेस से पहले स्टार्ट होता है, बेसिक को पहले मजबूत, बेस लेवल से पढ़ाई स्टार्ट होता है। हाँ। यहाँ पे जो मीडियम बच्चे आएंगे, जो ज़्यादा तेज नहीं है, उनके लिए क्या कुछ खास माहौल मिलेगा? यहाँ पे पढ़ाई वही बेसिक से जो स्टार्ट होता है ना, तो फिर बच्चों का बेस मजबूत हो जाता है। क्या कुछ खास है रेजोनेंस में? Faculty, like teachers are very friendly and they are cooperative. They are actually making us understand and interacting, whether we are understanding or not. And the courses are actually, we are getting sheets as per the topics, so they are quite well equipped and it's easy to learn. कैसा लग रहा है अभी आपको रेजोनेंस ज्वाइन करके? बहुत अच्छा। बाकियों से क्या कुछ खास है रेजोनेंस में? Actually, we are not having any rights to compare any residence or any university because all university is very nice. Actually, I am not from here. I am from Jharkhand, and we found this residence from website, and we have given the test also. After that, we got the scholarship. Then we have joined this. My parents had came here for the admission. We have taken admission. Then we settled from the hostel also. I like everything from here, but hostel I really don't like because my parents are not here and they are not behaving like our family also, so I really don't like hostel to live in here. But study is very nice. Everything is all right. I like resonance and I really like to study and I want to become something in my life. I have to achieve. I want to become IAS officer, so for the study purpose only I came here. This is my command only. आप क्या कुछ बताना चाहती हैं रेजोनेंस के बारे में? यहाँ का डाउट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है और यहाँ पे टीचर लोग फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं। आप लोग क्या कुछ बताना चाहती हैं रेजोनेंस के बारे में? रेजोनेंस का फैकल्टीज बहुत अच्छा है, प्लस डाउट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। डाउट जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वही टीचर डाउट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज कैसे होती है यहाँ पे? वीकली। ठीक है। डाउट के लिए क्या कुछ खास है? टीचर्स मतलब बहुत अच्छे से डाउट क्लास में हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं एंड हम लोग को जितना भी मतलब सम्स वगैरह में जो भी दिक्कत हुआ वो सभी क्लियर करते हैं अच्छे से। तो आप लोग सेटिस्फाइड है? या आप लोग सेटिस्फाइड है भाई? पक्का रेजोनेंस, दैट्स व्हाई वी आर सेटिस्फाइड। पक्का सेटिस्फाइड है भाई आप लोग? अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ के सेंटर हेड सर से, जो कि यूकेसी सर है, उत्तम कुमार चौधरी सर यहाँ के सेंटर हेड है। और मैं उनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बता दूँ तो सर एमएससी पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज से वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो हम उनसे जानेंगे वो क्या कुछ खास बताते हैं इस वीडियो में अपने बच्चों के लिए, वो क्या कुछ खास कर रहे हैं रेजोनेंस में, क्या कुछ खास है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेजोनेंस जो है ये अपना ऑन सेंटर से, ठीक है, जो हमें कोटा से ही डायरेक्ट हमारा ऑपरेशन होता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि पिछले दो साल से लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों का एकेडमिक बहुत हैम्पर हुआ है। उन चीज़ों को समझते हुए जनरली हमारे हर जगह आप देखेंगे कि क्लासेस, चाहे वो कोटा का हो चाहे कहीं भी हो, मिनिमम स्ट्रेंथ हम लोग 60-70 रखते हैं। लेकिन एट द प्रेजेंट सिनेरियो में चूंकि बच्चे से हमें 1-to-1 कॉन्टैक्ट करनी पड़ती है, 1-to-1 समझानी पड़ती है, जिसके कारण से हमने इस क्लास का स्ट्रेंथ मैक्सिमम 40 रखा है। इससे बड़ा हम क्लास कभी रखते ही नहीं है। किसी भी बैच में हमारा जो है 38, 39, 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते। हम क्लासेस ड्यूरेशन को हम लोग सेम रखते हैं, बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा सकते हैं लेकिन हम लोग क्लास का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि रेजोनेंस इसलिए खास जाने जाते हैं कि हमारे जो सबसे बड़ी USP है रेजोनेंस का ऑल ओवर इंडिया में, कि सबसे पहले एरर फ्री मटेरियल होगा, एक ट्रेंड क्वालिटी टीचर्स होंगे, जैसे हम लोग खुद कोटा से हम पढ़ाए हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस 12-13 साल का कोटा का है, कैसे यहाँ पर यहाँ के जो पेपर हम लोग लेते हैं
वो होता है तीन चार तरह का होता है। एक होता है जैसे पीटी, जिसको हम लोग एमपीटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पार्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका क्या होता है कि लास्ट वन मंथ में हमने क्या पढ़ा है बच्चों का वो टेस्ट होता है, जिससे कि बच्चों को वो चीज़ मेमोरी हो जाए और अच्छे हो जाए वो मेंस पैटर्न पर। फिर हम लोग लेते हैं एमसीटी यानी मेंस पेपर पर क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट का एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ये है कि शुरू से, मतलब जब हम लोग मान लिया क्यूमुलेटिव टेस्ट मान लिया अक्टूबर में नवंबर में हो रही है और मैंने क्लासेस शुरू किया अप्रैल से, तो अप्रैल से जो अक्टूबर तक पढ़ाई हुई है वो उस चीज़ में अच्छे आएंगे, जिससे कि बच्चे के पूरे पीछे का टॉपिक भी रिवाइज करते रहे। फिर हम लोग लेते हैं अभी से शुरू से, हम लोग का ऐसा नहीं कि लास्ट में हम लोग दो महीना एडवांस का टेस्ट ले लिया, हम लोग का पहले से पूरा शेड्यूल होता है एपीटी एडवांस्ड पार्ट टेस्ट। हम लोग का एक सबसे बड़ा कल्चर है डीपीपी, जो बहुत स्ट्रांग मटेरियल है कोटा का। उसमें क्या होता है कि किसी भी महीने में आप जाएं, हर पीछे चैप्टर का एक 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 क्वेश्चन करके हम लोग देते हैं, जिससे कि बच्चे का पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज्ड हो। उसके डिस्कशन करने का तरीका भी एक यूनिक सिस्टम है। क्या है कि हम लोग पहले कोई भी टीचर क्लासरूम में जाते हैं तो डीपीपी का एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, फिर बच्चों से वन बाय वन पूछते हैं ये बना इसमें क्या लॉजिक होता है। फिर उसके थ्रू एक फ़ायदा क्या होता है, मान लिया जाए मैंने अक्टूबर में पढ़ा रहा हूँ, एक मैथ की मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो हम लोग शुरुआत में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। फिर हम लोग का जो स्टडी मटेरियल होता है वो हम लोग का डिस्कशन वन बाय वन होता है, जिसे हम लोग एक्सरसाइज वन है जिसमें सेक्शन ए बी सी डी यानी सब टॉपिक के आधार पर दिए हुए हैं, एक्सरसाइज टू है, एक्सरसाइज थ्री है प्रीवियस लास्ट ईयर का, तो वन बाय वन क्लासरूम में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि जो टॉपिक हम लोग ने मान लिया अप्रैल में मई में डिस्कस किया खत्म हो गया, अब अक्टूबर नवंबर आते आते बच्चे भूल जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, एक जो टेस्ट का है वो TODS जिसका नाम रखे हम लोग ने, वो टेस्ट ऑफ DPP एंड सीट यानी स्टडी मटेरियल, जिससे बच्चे क्या होता है उनको पता होता है कि ये टेस्ट में लास्ट के तीन स्टडी मटेरियल आ रहे हैं, ये DPP एक से लेके दस तक आ रहे हैं, तो क्या होता है वो पूरा रिवाइज करते हैं, जिससे कि वो पूरा उनका क्लियर होता है, यानी हम लोगों का एक रिविजन प्रोसेस भी चलते रहता है। ये हम लोगों का सबसे बड़े पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि सर आपने कोटा में 12 ईयर्स दिया है, तो कोटा और पटना में क्या कुछ? देखिए बेसिकली कोटा में क्या होता है कि कोटा में एक क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद क्या होता है वहाँ पर एक हम लोगों का डाउट्स क्लासरूम होता है, यानी एक डाउट सेशन चलता है, फैकल्टी बैठे रहते हैं वहाँ पर। क्या होता है कि क्लासेस के बाद बच्चे डाउट के लिए जो हैं वो डाउट सेशन में जाते हैं, वहाँ पर टीचर को पूछते हैं, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कोटा का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है DPP, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए जो कि इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट में बहुत मुश्किल से ये फॉलो होती है। रही बात स्टडी मटेरियल की, रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल अभी भी पूरे इंडिया में नंबर वन है, जिसके कारण से यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि रेजोनेंस में सिलेक्शन जो होता है हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो हायर होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर इम्प्लीकेंस किया है। यहाँ पर क्या किया है कि हमने भी यहाँ पर एक रूम तैयार किया है पूरा, उसमें बच्चे क्या होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे हमेशा पूछ सकते हैं, हमेशा जा सकते हैं, जो किसी अदर इंस्टीट्यूट में अदर जगह नहीं दिया जाता है। उसी चीज़ को अप्लीकेबल करते हुए मैंने पटना में क्या किया, एक क्लासरूम रखा है बड़ा सा जो हमारा है, उसमें हम लोग बच्चों को फ्रॉम सुबह मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock बैठने का परमिशन देते हैं कि आप यहीं पर बैठ के यहीं पढ़ें, जब भी कोई डाउट हो। टीचर्स की भी हम लोग ने ऐसा मेंटेनेंस रखा, क्योंकि टीचर्स ऑफ सेट जो है हमारे पास तीन फैकल्टी चार फैकल्टी का सेट है यहाँ पे, जितने हमें ज़रूरत पड़ती है कोटा से, हमें कोटा से 10 टीचर हमारे आते हैं यहाँ, नहीं लोकल हम लोग हायर नहीं करते। यूनिक पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, यूनिक पॉइंट मैंने आपको सारे जो बताए हैं वो यूनिक पॉइंट ये है कि टीचर्स ट्रेंड फ्रॉम कोटा, वेल ट्रेंड फ्रॉम कोटा, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके बच्चे के साथ बिहेवियर, एवरीथिंग हमें अच्छा होना चाहिए, एक फैमिलियर बिहेवियर की तरह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं पूरा। हम लोग जो वहाँ स्टडी मटेरियल हुआ, DPP हुआ, टेस्ट शेड्यूल हुआ, टेस्ट भी मैंने आपको कहा बताया कि अल्टरनेट संडे होता है। दूसरी बात जो USP हमने ध्यान रखा है अपना रेजोनेंस पर वो है कि IIT के साथ बोर्ड कैसे किया जाए। तो हम लोग देखिए जो पढ़ाने का तरीका है, हम लोग कोई भी चैप्टर, मैं आपसे रिलेटेड थोड़ा सा मैथमेटिक्स से बताता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर फिजिक्स केमिस्ट्री बताएंगे आपको डिटेल्स। तो मैथ्स से क्या होता है कि हम लोग एकदम लोग A+B के होल स्क्वायर से हम चलते हैं, चलते चलते पूरा बोर्ड लेवल का थ्योरी, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछा जाता है, फिर उससे हम हायर जाते हैं मेंस लेवल का क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होता है, फिर हम जाते हैं एडवांस लेवल में कि एडवांस का क्या क्वेश्चन क्या स्टैंडर्ड होता है। तो बच्चों को लगता है अरे यह बोर्ड तो बहुत ईजी है, बोर्ड से हम लोग प्रॉब्लम करते, फिर उनको प्रैक्टिस भी बोर्ड का कराते हैं। सर जैसे कि अभी मेंस का एग्जाम हो चुका है और एडवांस का एग्जाम होने वाला है, तो उन बच्चों को मैथ्स के लिए क्या कुछ? मैं आपको थोड़ा सा ये मैथ्स में जानना बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक होते हैं ना मैथ्स में, देखा जाए तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं मैथ में, क्योंकि क्वेश्चन इंटीग्रेटेड आते हैं, लेकिन इन जनरली जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया पिछले 5 साल 10 साल में आप देखेंगे तो JEE एडवांस में हमेशा
पीएनसी एंड प्रायोरिटी जो एक चैप्टर्स है वो दोनों कंबाइंड चैप्टर एक साथ माना जाता है, वो अलग अलग चैप्टर हैं लेकिन क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड आते हैं। उससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, बच्चों को एक उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कैलकुलस पार्ट में, क्योंकि कैलकुलस पार्ट एक ऐसा है जो पूरे मैथ को एक तरह से रनिंग करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा बच्चों को कंसंट्रेट करना चाहिए क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन का वेटेज होता है हमेशा। तीसरा पार्ट हो जाता है कोनिक सेक्शन, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन आता है। जब ये 3 बच्चों का अच्छा हो जाए तब जाना चाहिए उन्हें वेक्टर थ्योरी और मैट्राइसिस पर, क्योंकि ये जनरली बच्चों को हम ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, ये बच्चों का ठीक होता है। इन जनरली कभी इनसे एक क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इन 4 टाइप चैप्टर पर अच्छे से ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलोलॉजी।